नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्राकर स्वागत करता हूँ आपका फ्लाहा एकेडमी में। पहले हमने पढ़ा था इसके पहले अनुशासनम का निबंध, और अब हम पढ़ेंगे संस्कृत में महाकवि कालिदास का निबंध। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी निबंध है, कई बार सिक्स क्लास से लेकर टेंथ क्लास में ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है टेंथ क्लास में, और ये सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ में कई बार पूछा जाता है। तो ये जो मैं निबंध आपको बता रहा हूँ, ये सिक्स क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक पूरा आपको काम आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमें निबंध लिखना है और क्या करना है। तो पहला जो महाकवि कालिदास, पहला है महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा श्रेष्ठतमः कवि अस्ति, मतलब महाकवि कालिदास जी जो हैं वो संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवि हैं। सह नाटककार महाकाव्य प्रेरिता गीत काव्यकर्ता च आसीत, मतलब वह नाटककार हैं, महाकाव्य प्रेरिता हैं, मतलब महाकाव्य उन्होंने लिखे हैं, गीति काव्य मतलब खंड काव्य भी उन्होंने लिखे हुए हैं। सह प्रमुखा ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति, उनका प्रमुख जो ग्रंथ है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। वैसे इन्होंने टोटल 7 लिखे हुए हैं, अलग अलग नाटक हैं, खंडकाव्य और महाकाव्य हैं, जिसमें आपका मालविका अग्नि और ऐसे करके और भी अलग अलग हैं, उसका मेघदूत, ये उनके फेमस हैं। तस्य जन्म कदा जातम इदम ना विदितम, उनका जन्म कब कहाँ हुआ था, कदा जातम इदम, मतलब ये नहीं बताया गया, ये वर्णित नहीं है, ये पता नहीं है। सह उज्जैनियम अपसत इति मनते, माना जाता है कि वो उज्जैन में रहते थे। सह भारतस्य मनोरम वर्णम अकरोत, उन्होंने भारत का बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा वर्णन किया है। तस्य प्रसाद गुणयुक्त ललिता शैली अस्ति, उनकी जो शैली लिखने की जो शैली थी और वो थी ललिता शैली थी, और वो प्रसाद गुण आपकी जो गुण होते हैं उनमें से प्रसाद गुण उनका सबसे ज़्यादा मेन था, वो उनके ग्रंथ में वो ही लिखते थे। कालिदास महाराज विक्रमादित्य सभा कवि आसीत, कालिदास जी जो थे वो महाराज विक्रमादित्य जो थे उनके सभा कवि थे। कालिदास से उपमा अति प्रसिद्ध, कालिदास की जो उपमा है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कालिदास से प्रकृति चित्रम अतिव रमणीयम अस्ति, कालिदास का जो प्रकृति चित्रण है, जो नेचर का उन्होंने जो बताया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा रमणीय है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रमणीय है। तो इसी तरीके से ये महाकवि कालिदास का जो निबंध था वो आपका कंप्लीट हो गया है, आपको इनका मतलब समझ में आ गया होगा। तो आपको इस तरीके से ही लिखना है और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाने हैं। तो अगर आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कोई और निबंध चाहिए, कोई और क्वेश्चन या कुछ भी आपको क्वेरीज है, तो आप प्लीज़ कॉमेंट करिए, कॉमेंट मैं पढ़ता हूँ डेली बेसिस पर, और उस पर आपको मैं क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप और भी वीडियो संस्कृत ग्रामर पर और भी बाकी चीज़ें बनाए हुए हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।